कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच गरज रहा है नगर पालिका का बुलडोजर। इस अभियान को देखकर लगता है नगर पालिका ईओ साहब गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को ही हटाने की फिराक में है। जहां इन दिनों भीषण ठंड का प्रकोप और कोहरे की चादर लोगों का जीना दुश्वार कर रही है, तो वहीं ललितपुर नगर पालिका द्वारा सड़क किनारे बैठकर मंदी के इस दौर में जैसे तैसे अपना रोजगार चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जिन पर आज शहर के स्टेशन क्षेत्र देवगढ़ रोड पर नगर पालिका का बुलडोजर कहर बनकर टूट पड़ा। जैसा कि आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में, इस बुलडोजर को देख कर राजनीति करने वाले नेता आखिर कहाँ छुप गए हैं, जो हमेशा अपने आप को गरीबों का हितैषी बताते हैं और धर्म जाति विशेष की राजनीति में हमेशा सक्रिय होते हैं। जिन्हें धरनों पर बैठना उनका एक शौक बन गया है, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वह इन गरीब ठेले पटरी वालों को नगर पालिका प्रशासन से उन्हें बैठने के लिए शहर में उन स्थानों को चिन्हित करें जिससे कि सभी गरीब पटरी वाले अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर सके। क्या इस कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच नगर पालिका को बुलडोजर चलाना उचित है? इस अभियान को देखकर तो ऐसा लगता है कि नगर पालिका ईओ साहब गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को ही हटाने की फिराक में है।